नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्टली न्यूज़। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है ये 4-in-1 ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी है, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, इसको आप एज अ नाइट लैम्प भी यूज कर सकते हो, प्लस इसमें यहाँ पे क्लॉक भी दी हुई है। और ये लेटेस्ट वर्जन है, जो पहले जी लैम्प स्पीकर आता था उसका ये लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके चारों फंक्शंस देखने के लिए सीधे चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग पे। ये है बॉक्स हमारे 4-in-1 ब्लूटूथ स्पीकर का, और यहाँ सामने की तरफ देखें तो ये प्रोडक्ट का पिक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल इसके जैसा ही प्रोडक्ट भी दिखेगा। यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो LED वायरलेस चार्जिंग स्पीकर लिखा हुआ है। यहाँ पे XMX63 जो कि इसका मॉडल नंबर है वो दिया है। जब आप ब्लूटूथ सर्च करेंगे तो यही वहाँ पे कोड आएगा, इसी के थ्रू आपको उसको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग है, इसमें 7 कलर सिलेक्शन हैं LED लाइट के, FM रेडियो इसमें है, इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टैंड बाय बैटरी है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे बताया गया है इसमें कलरफुल लाइट है और 15 वॉट का इसमें चार्जिंग है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे भी LED वायरलेस चार्जिंग लिखा हुआ है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी सेम LED वायरलेस चार्जिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये किस किस तरीके से क्या क्या काम करेगा। इसमें आप फ़ोन को आंसर कर सकते हैं, अगर आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, स्पीकर पे सॉन्ग चल रहा है, बीच में फ़ोन आ जाता है तो उसको भी आप इसके थ्रू रिसीव कर सकते हैं। इसमें 15 वॉट वायरलेस फास्ट चार्जिंग है, 256 लाइटिंग मोड्स हैं इसमें, सनराइज सिमुलेशन वेकअप लाइट भी है। इसकी लाइट को आप डिम कर सकते हो, इसमें अलार्म क्लॉक आप सेट कर सकते हो। इसके साथ आपको साउंड मशीन जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है ही, और इसमें नेचुरल स्लीप 8 साउंड मशीन इसको बताया गया है। साइड में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 वॉट LED वायरलेस चार्जिंग स्पीकर बताया गया है। 4 प्लेबैक मोड्स हैं और ईजिली मोड्स स्विच कर सकते हैं। इसमें आप पेन ड्राइव के थ्रू सॉन्ग चला सकते हैं, ऑक्स के थ्रू चला सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू चला सकते हैं और SD कार्ड के थ्रू भी चला सकते हैं। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है वॉच के साथ, एक आता है बिना वॉच के। हमारा जो है वो ये वाला है, यहाँ पे नीचे मेड इन चाइना बताया गया है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है ये यूज़र मैनुअल जिसमें कि पूरी वर्किंग बताई गई है, वो मैं अभी आपको इसमें दिखा दूंगा। दूसरा है ये टाइप सी चार्जिंग केबल जो कि यूजुअली बड़ी नहीं होती है, बट इसमें थोड़ी सी बड़ी लग रही है। ये दोस्तों ये लगभग 1 मीटर की दी हुई है और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। और दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, जिसको कि मैं ए शेप ब्लूटूथ स्पीकर बोल रहा हूँ। इसी के जैसा पहले जी शेप आता था, बट ये जो है ये ए शेप ब्लूटूथ स्पीकर है। और ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिश बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ये स्पीकर की जो आवाज़ आएगी वो इससे आएगी। सामने की तरफ देख सकते हैं पूरी वर्किंग बटन की यहाँ पे है। ये ऑन ऑफ बटन है, ये मोड बटन है, ये वॉल्यूम डाउन बटन है, वॉल्यूम अप बटन है, प्ले एंड पॉज। इसी के थ्रू आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और सॉन्ग्स भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सामने की तरफ देखें तो ये क्लॉक डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें। इसी के थ्रू जो क्लॉक है वो हमें यहाँ पे टाइम नज़र आएगा। और ये जो है दोस्तों ये लैम्प है, LED लैम्प है ये, जैसे जी लैम्प काम करता था सेम टू सेम ये नाइट लैम्प की तरह काम करेगा। इसमें लाइट मोड्स हैं वो मैं अभी आपको ऑन करके बता दूंगा कैसे चलेंगे। और इसका जो मेक है बहुत बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फिनिश तरीके से ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे जो इसमें मटेरियल यूज्ड है वो ABS है और काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप अपना फ़ोन रखेंगे, ये वायरलेस चार्जिंग के लिए काम आएगा। और दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर आपको वायरलेस चार्जिंग पे चार्ज करना है अपना फ़ोन तो इसको पावर देना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो इसमें रिचार्जेबल बैटरी है उसके थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे की तरफ इसमें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, पेन ड्राइव के लिए स्लॉट दिया हुआ है और ऑक्स के लिए भी यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। मुझे ये वाला उस वाले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, जो जी लैम्प था उससे ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, क्योंकि इसमें वॉच भी है यहाँ पे। और इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू जो जी लैम्प में डिस्प्ले है उससे ये थोड़ा बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। दोस्तों इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप लाइट जो है जलने लग जाएगी यहाँ पे रेड कलर की। ये लाइट का मतलब ये चार्ज हो रहा है, जैसे ही ये लाइट बंद हो जाएगी इसका मतलब ये फुल चार्ज हो गया है। और दोस्तों हम इस पर फ़ोन रख के चार्जिंग करके देखते हैं कि फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने फोन रखा, फोन चार्ज होने लगा।
और अब इसकी पूरी वर्किंग देखते हैं। और अब इसको ऑन कर लेते हैं, इस वाले बटन को हम लोग लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऑन हो गया, यहाँ पे वार्म लाइट आ गई और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गई। और जो क्लॉक को सेट करने के लिए यहाँ पे मोड बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप बटन से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर दोबारा से आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप मिनट्स को सेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम डाउन बटन से आप इसको कम भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मोड बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जब ये दिखने लगेगा तो इसका मतलब आप अलार्म सेट कर सकते हैं। फिर से आप एक बार मोड बटन क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से अलार्म को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इस ऑन ऑफ बटन को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए 15 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट के लिए जो अलार्म क्लॉक है वो सेट हो गई। इसी तरीके से दोबारा दो बार क्लिक करेंगे इसमें तो यहाँ पे 30 मिनट के लिए सेट हो गई। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट के लिए अलार्म क्लॉक जो है वो सेट हो गई। और इसको रिमूव करना है तो दोबारा एक बार आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों अगर क्लॉक में आपको AM PM जो है सेट करना है उसके लिए आपको ये जो पॉज प्ले बटन है इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 दिखा रहा है, तो जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PM आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 12 आवर्स और 24 आवर्स के जो मोड सेट करना है वो आप इस प्ले पॉज बटन को डबल क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें अलार्म बजा के देखते हैं कि कैसा बज रहा है। दोस्तों अभी मैंने अलार्म सेट कर दिया है और यहाँ पे देखते हैं कि अलार्म ये जब बजेगा 4:26 पे तो कैसे इसमें साउंड आता है। दोस्तों मैंने 4:26 पे अलार्म सेट किया था और ये देखिए अलार्म ये बजने लगा है। ये देखिए यहाँ पे एयर लिख किया रहा, ये साउंड इसका बजने लगा है। और दोस्तों अलार्म की आवाज़ के साथ ही इसका जो लाइट का इफेक्ट है वो भी अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्रॉपर तरीके से इसकी हर एक चीज़ जो है वो काम कर रही है, इसका अलार्म भी। ये हुई पूरी वर्किंग इस क्लॉक की। अब अगर आपको लाइट चेंज करनी है तो ये जो लाइट वाला बटन है इसको एक बार प्रेस करेंगे तो इसके जो मोड्स हैं वो इस तरीके से चेंज होते चले जाएंगे। ये देखिए उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो ये एक मोड आ गया, फिर से प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये मोड आ गया। इस तरीके से ये कुछ 7 मोड्स को चेंज करेगा। ये देखिए अलग अलग तरीके के इसमें मोड्स हैं, आप प्रेस करते चले जाएंगे लाइट भी चेंज होती जाएगी और मोड भी चेंज होते चले जाएंगे। दोस्तों ये हुई इसकी लाइट की वर्किंग, इस तरीके से आप इसकी लाइट को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर की। इसमें जो ये मोड बटन है इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो मोड है वो चेंज होता चला जाएगा। पहला जैसे ये ऑन हुआ तो ये ब्लूटूथ मोड में है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे शो कर दिया। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों कनेक्ट हो गया और इस पर सॉन्ग चलाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहला जो मोड होता है वो ब्लूटूथ वाला रहता है, वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल से। उसके बाद अब इसकी जो वर्किंग है आप देख लीजिए, जैसे ही आप सॉन्ग ऑन करेंगे अगर आपको वॉल्यूम अप करना है तो ये जो वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करना होगा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम पूरी कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये बीच वाला जो बटन है इसको जैसे ही एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पॉज हो जाएगा, चलना बंद हो गया है, और फिर से अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये चलना यहाँ पे चालू हो जाएगा। मैं वॉल्यूम फिर से अप करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इसके स्पीकर की पूरी वर्किंग है। और अब दोस्तों अगर आपको दूसरे कोई मोड चलाने हैं, जैसे आपको FM चलाना है तो आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा मोड वाले बटन को कुछ इस तरीके से। अब ये FM मोड पे आ गया है। FM मोड पे रेडियो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे पॉज बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से ये सर्च करेगा, प्ले पॉज बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो रेडियो स्टेशन है वो सर्च करने लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है, इसको अगर रेडियो को कनेक्ट करवाना है आपको तो इसको एंटीने के थ्रू
एक आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, और वो कनेक्शन आप तब देंगे जब यहाँ पे आपको टाइप सी केबल लगानी पड़ेगी, तब जाके ये सर्च करेगा। जरूरी नहीं है कि दूसरे एंड पे आप कोई डिवाइस लगाएं, सिर्फ इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये सर्च करेगा। और फिर से जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बीटी मोड आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बीटी मोड आ जाएगा, अब आप ब्लूटूथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कॉल रिसीव करनी है तो यहाँ पे प्ले पॉज बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉल रिसीव हो जाएगी, और इसको कट करना है तो फिर से इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कॉल यहाँ पे कट जाएगी। और अब दोस्तों इसकी पूरी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी है, अब देखते हैं कि ये अंधेरे में कैसा लग रहा है। दोस्तों मैंने अंधेरा कर दिया है पूरा रूम में, और आप देखिए इस तरीके से ये लुक दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वॉच एकदम क्लियर है, 4:28 PM यहाँ पे लिख के आ रहा है, और लाइटिंग इफेक्ट आप देख ही रहे हैं कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और इसकी लाइट के मोड अगर हम लोग चेंज करें, ये स्टिल मोड है, ये देखिए स्टिल मोड, यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी आप लाइट बंद करना चाहें तो वो भी हो सकता है, जस्ट जो ऑन ऑफ बटन है उसको प्रेस करते रहिए, इसका जो मोड होगा वो चेंज होता रहेगा और लाइट बंद भी हो जाएगी। फिर से एक बार ऑन करते हैं, ये देखिए ये ऑन हो गया है। ये देखिए दोस्तों, अब जो मोड है उसमें ये अपने आप कलर चेंज कर रहा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऑसम लुक दे रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं, एज अ नाइट लैम्प इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी ठीक ठाक है, बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एज अ नाइट लैम्प ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपके अगर साइड टेबल पे ये रखा हुआ है रात को और इसको आपने जला दिया तो एक अच्छे नाइट लैम्प की तरह ये काम करेगा। लाइट्स के मोड भी हैं तो उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें म्यूज़िक भी चला के देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इसका हर एक फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, चाहे इसकी क्लॉक हो, चाहे इसकी लाइट हो, चाहे इसका वायरलेस चार्जिंग हो, चाहे इसका स्पीकर हो। बट स्पीकर में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इसका स्पीकर जो है उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्लियरिटी है, बस इसमें बेस जो है वो बिल्कुल बहुत कम है। अगर आप बेस के हिसाब से देख रहे हो तो ये प्रोडक्ट उस हिसाब से नहीं है, बेस जो है इसमें काफ़ी कम है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया हैं। स्पीकर की क्लियरिटी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, सब ठीक है, बट बेस जो है वो काफ़ी डाउन है। अगर आप बेस के शौकीन हैं तो ये उस हिसाब से आपके लिए नहीं है, बट अदरवाइज 4-in-1 के हिसाब से, अपडेटेड वर्जन के हिसाब से ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें क्लॉक है और उसकी स्क्रीन जो है उस वाले से ज़्यादा बड़ी है, और इसमें फंक्शंस क्लॉक के या FM वगैरह के थोड़े ज़्यादा इसमें फंक्शंस और इजी कर दिए हैं, और इस वजह से ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ये ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तो मैं इसका जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपको परचेज करना है तो आप मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे, आपको डिटेल्स दे दूंगा कि ये कैसे परचेज आप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।